दोस्तों मिलेट्स काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, जिसमें इंडिया की काफी कंट्रीब्यूशन रही है। इसी के साथ साथ G20 के जितने भी समिट्स होंगे, इंडिया उसमें मिलेट्स वाली डिशेस को स्पेशली शोकेस करेगा। यूनियन बजट में भी मिलेट्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको श्री अन्न भी कहा जाता है। इसके प्रमोशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो हैदराबाद में है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू मिलेट्स शेयर करेगा। पूरी दुनिया में इंडिया मिलेट्स का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। हेल्थ के मामले में भी मिलेट्स काफी हमारे लिए कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री हैं और वीट को बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इनमें 7-12% प्रोटीन है, गुड फॉर ग्रोथ। 2-5% फैट है, जो विटामिन ए, डी और ई को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। 65-75% कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी देते हैं और 10-12% फाइबर हमारी डाइजेशन में काफी इंप्रूवमेंट करता है। और इस टॉपिक से यूपीएससी में आपसे कुछ इस तरह का